अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इज़ मी पाजो गर्ल। और आज हम आ गए हैं विंटरलैंड। विंटरलैंड में हमने जल्दी से टिकट लिए। टिकट लेते ही हमने प्रीमियम टिकट लिए थे, जिसमें हमें ये फैसिलिटीज़ होती है, आपको अनलिमिटेड टाइम मिलता है, ब्लू जैकेट विद ग्लव्स मिलते हैं। और ये आपको मैं विंटरलैंड दिखाते हुए, बहुत प्यारा था। और शुरू में इतनी ठंड नहीं पता चल रही थी, तो मैं दस्ताने हमने उतार दिए, हमने कहा इतनी क्या ठंड है। लैंड लास्ट हम जब एक घंटे के बाद हमें फील होने लगा कि नहीं नहीं ठंड है, -10 डिग्री होती है। और आप देख सकते हो, बहुत मतलब एक इंजॉयमेंट है। और आप फैमिली के साथ आओगे तो आपको मज़ा आएगा। ये मेरा भांजा भांजी है, उन लोगों को मैं बिठा के अच्छे से कैप्चर कर रहे थे हम, लेकिन बहुत मज़े का था। आप सिर्फ व्यू देखते जाओ पूरा। आप उन्होंने एक डाइनर्स टेबल का भी सेक्शन बनाया हुआ है, जिसमें पूरा आइस से किया हुआ है, जिसमें मेरी भांजी एक सेकंड के बैठी उठती कह रही नहीं बहुत ठंडा है। खैर, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आप ये देख सकते हो, उन्होंने एक टीवी सेक्शन भी ऐसा बनाया हुआ था कि आप उसमें आगे पिक्चर्स ले सकते हैं। बहुत सारे झूले थे जो आप ले सकते हो। ऊपर लाइटिंग इन्होंने ऐसी दी हुई थी, और बहुत तेज लाइट नहीं थी, लाइट लाइटिंग की हुई थी इन्होंने। और बच्चों के राइड्स भी बहुत सारे थे, जैसे कि ये एक बच्चों के राइड्स ये वाले थे जो इसमें घूमते भी हैं, आगे पीछे भी करता है। मेरे भांजा भांजी को समझने में टाइम लगा, एंड देन उसको समझ आ गया। तो खैर, ये टीवी वाला है कि आप बैग में जाओ, उधर जाके आप अच्छे से तस्वीर ले सकते हो। ये मेरे भांजे को लेते जाते हुए, उसको झूले वूले, ये ऊपर की राइड्स के हमने नहीं लिए, ये मेरी सिस्टर राइड्स के लिए बैठ गई। खैर, फिर उसने राइड्स लिए, उसके बाद उसके बच्चों को देखा जब तक हमने। फिर ये यहाँ पे बर्फ़बारी का पूरा पोर्शन बना है, आप खेल सकते हो। फिर यहाँ पे मेरी पिक्चर्स हमने ली थोड़ी सी, और बाकी मेरी सिस्टर ने वीडियो बनवाई अपने लिए। एक फैमिली की होती है ना, एक मेमोरी बन जाती है आपकी। फिर यहाँ पे एक और सिस्टर गई थी, यहाँ पे एक और राइड लेते, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे थोड़ी ऊँचाई से थोड़ा सा डर लगता है, तो मैंने कहा मैं नहीं जा रही, आप लोग जाओ। तो मेरी सिस्टर के, आप मेरा गला देख सकते हो, मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ से, मम्मा ने, सिस्टर ने कॉफ़ी ली, बाय करी, लेकिन मैंने कॉफ़ी नहीं ली। तो ये मैं कॉफ़ी दिखाते हुए कि मेरी सिस्टर की कॉफ़ी ली। खैर, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर के सेक्शन में आए, यहाँ पे भी बच्चों का भी कुछ राइड्स थे, मतलब माँ साथ बैठे या कोई भी बड़ा साथ बैठे, उसके साथ आगे बच्चे भी बैठे। फिर ये पूरा घूम के आएगा राइड्स, तो मैं पहले तो आ गई, मैं कहा मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। फिर सिस्टर को बुलाया, सिस्टर अपनी बेटी के साथ फिर बैठी। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों के ये था, तो इनको मतलब घसीट घसीट के लोग कर रहे थे, जो कि अच्छा लग रहा था। अरे, फिर इन लोगों ने यहाँ इंजॉय किया, क्योंकि ये बोर हो रहे थे, कह रहे हमें भी राइड्स चाहिए, तो हमने कहा चलो इसमें बैठ जाओ, इसमें आप राइड्स ले लो। फिर ये धुआं धुआं आप देख सकते हो, ये आई गेस मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये मतलब ना एसी की, जो एसी बोलूँ या आई डोंट नो टेम्परेचर इसका थोड़ा बढ़ा रहे थे, जिससे हमें और मज़ीद ठंड लग रही थी, या हम थे ही बहुत देर से इससे हमें ठंड लग रही थी। ये मेरा भांजा, कोई गाना चल रहा था उस पर, वो अपने पैरों से माइकल जैक्सन का वो स्टेप दिखाते हुए। फिर खैर, फिर मैं यहाँ लाइटें और कैप्चर करने लगे, मुझे लाइटें बहुत पसंद आ रही थी, जो मैं इसलिए मेरा सारा फोकस ऊपर पे जा रहा था। फिर इन्होंने बर्फ़बारी का एक सेक्शन रखा हुआ था, तो उधर मैंने अपने भांजा भांजी को छोड़ दिया, और वो इतने बर्फ़बारी इतना मार रहे थे बर्फ़ फेंक फेंक के, कि मैं क्या बताऊँ, मुँह पर मारा मेरे, मैं वीडियो बनाने में लगी थी, वो मुझे मारने में लगा हुआ था, लेकिन खैर फुल इंजॉय कर रहा था। ये देखो, मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, ये मुझे ही मार रहा है, बाकी कुछ लोग भी इसके साथ ही बना रहे थे। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया मेरा गला ख़राब क्यों था, क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाई है वहाँ पे, सब कॉफ़ी पी रहे थे और मैं आइसक्रीम खा रही थी। खैर, फिर हम निकल पड़े आइसक्रीम खाते ही। बाय 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 बाय।